एक बार फिर उन पलों को जीने की कोशिश की जा रही है जब राम रावण का वध करने के बाद 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद वापस अयोध्या नगरी लौटे थे। अयोध्या नगरी प्रकाशमान की गई थी दियों की रोशनी से और गुंजायमान हो गई थी राम किनारों से। आज वही पल एक बार फिर साकार हो रहा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दीपोत्सव के आज के इस कार्यक्रम में मेरा अनुरोध होगा कि उस पार जो लोग भी दीपों के बीच में स्वयं स्वयं सेवक पीछे चले जाएं, जिससे मंच पर आए हुए अतिथि दीपों का अवलोकन कर सकें। आप सबसे मेरा अनुरोध होगा जो लोग बीच बीच में खड़े हो रखे हैं उस पार, वे लोग थोड़ा पीछे चले जाएं, दीपों का यहां से मंच से अवलोकन सही तरीके से हो सके, वे लोग थोड़ा पीछे चले जाएं। प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, दुनिया के 54 देशों से आज अयोध्यापुरी में उपस्थित हिज एक्सलेंसीज ऑल एम्बेसडर्स, उपस्थित हमारे अन्य गणमान्य अतिथिगण, श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों बहनों, दीपोत्सव के इस आयोजन के अवसर पर मैं सबसे पहले माननीय राज्यपाल महोदय का, दुनिया के 54 देशों से उपस्थित माननीय राजदूतों का और दूतावास के सम्मानित वरिष्ठों का, मैं महानुभावों का, मैं भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात अयोध्यापुरी में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारियों का, जिनके कारण आज अयोध्या का दीपोत्सव का यह 7वां संस्करण पूरी भव्यता के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज इस कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए स्वयं